रेवाड़ी जिले में एक दुल्हन की विदाई हेलीकॉप्टर से हुई। दुल्हन घर से तो गाड़ी में बैठकर निकली थी, लेकिन कुछ ही दूर पर चलने के बाद वहां खड़े हेलीकॉप्टर में बैठकर वह अपने ससुराल गुरुग्राम के बार गुर्जर गांव में पहुंची। दुल्हन को हेलीकॉप्टर से लाने का सपना दूल्हे का था, जिसे उसके परिवार ने पूरा किया है। हेलीकॉप्टर से दुल्हन की विदाई को देखने के लिए बड़ी संख्या में लोगों की भीड़ जुटी। गुरुग्राम जिले के गांव बार गुर्जर निवासी रामबीर सरपंच के बेटे योगेश का विवाह रेवाड़ी के गांव गुर्जर घटला निवासी उदयवीर पटेल की बेटी प्रिया कुमारी के साथ हुआ। वर पक्ष की ओर से दुल्हन को हेलीकॉप्टर में ले जाने का प्रस्ताव रखा गया था। इस प्रस्ताव को दुल्हन की दादा व दादी ने स्वीकार करते हुए इसकी तैयारियां शुरू कर दी थी। शादी के बाद पिता उदयवीर पटेल व माँ योगिता ने अपनी बेटी को विदा किया। दुल्हन प्रिया के पिता उदयवीर पटेल ने बताया कि खेतीबाड़ी उनका पुश्तैनी काम है। इसी खेतीबाड़ी से उन्होंने अपनी बेटी और बेटे को पढ़ाया लिखाया और आज बेटी की शादी कर उसे हेलीकॉप्टर से विदा किया है। उन्होंने एक किसान होने के नाते बहुत गर्व महसूस किया और कहा कि ये खुशी की बात है। उनके और गांव के लोगों के लिए यह एक अनूठा अनुभव रहा, जो पहले कभी गांव में महसूस नहीं किया गया। हेलीकॉप्टर से ऐसी विदाई गांव में पहली बार हुई है और वह भी एक किसान की बेटी की। ऐसे में गर्व महसूस होता है। वास्तविकता तो यह है कि आज प्रदेश का किसान समृद्ध और प्रगतिशील हो रहा है। मेरा गांव गुजर घटाल है जी। मेरा नाम उदयवीर पटेल है और मेरे पिताजी का नाम रामरिक बोहरा है और मेरा दादाजी का नाम खुड़िया राम जागीरदार। हमारी 3 पीढ़ी खेती बाड़ी करती आई है। दादा भी खेती बाड़ी करते थे, मेरे पिताजी भी करते थे, मैं भी खेती बाड़ी कर रहा हूँ और दूसरा कोई बिजनेस नहीं है, पशुपालन और खेती बाड़ी से ही ये सारा बढ़िया। शादी सारे हेलीकॉप्टर की हमने कोई वो नहीं थी। मैं भी पूरा गांव था, समाज था, बहुत सब भाईचारा रिश्तेदार सब यहाँ पर मौजूद है, अभी बैठे हैं। वहाँ के लड़के मामा के लड़के सब यहाँ पर ही है, रिश्तेदार सब यहाँ पर ही है, ऐसी कोई समस्या नहीं बड़ी। आज वास्तव में किसान प्रगति कर रहा है और उसी की आज देखो ये नतीजा है कि आज हमारी भांजी हेलीकॉप्टर से विदाई ली है। अब किसान पहले वाला किसान नहीं रहा।